वाओ, लाइट ऑफ, कॉस्टिंग ओनली 170। पिछले 8 साल से मैं बाइक पे चला। अगर आप इसको बाय करते हैं तो ये एक तरीके से आपके घर का जो है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन सकता है। Hey guys, welcome back to the channel. I hope you guys are doing absolutely fine. So guys, अभी मैं मौजूद हूँ वालेकर वाड़ी में, जो कि निगड़ी से जस्ट थोड़ा सा आगे है। और यहाँ पर आने का रीजन सिंपल सा है कि यहाँ पर एक एग्जीबिशन लगा है, और ये एग्जीबिशन का नाम दोस्तों ABC इंडियन आर्ट्स एंड कल्चर एग्जीबिशन है। और इस एग्जीबिशन में दोस्तों काफी एंटिक आइटम्स मौजूद होने वाले, जिसे देखकर आपको मजा आने वाला है। तो इस स्टॉक को बिना स्किप के एंड तक जरूर देखें। और अभी मैं फिलहाल खड़ा हूँ एग्जीबिशन गेट के बाहर, यहाँ पर आप पूरा नजारा चेकआउट कर सकते हैं, और ये मेन एंट्रेंस है। तो चलिए चलते हैं अंदर और आपको कंप्लीट एक्सपीरियंस में बताता हूँ क्या कुछ इस एग्जीबिशन सेंटर में देखने के लिए मिलता है। अगर आप इंटरेस्टेड है बुक्स में तो यहाँ पर आ सकते हैं, काफी डिस्काउंटेड रेट में आपको जो है बुक्स देखने के लिए मिल सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 10-50% डिस्काउंट चल रहा है बुक्स के ऊपर। इसके साथ यहाँ पर आप क्रॉकरी देख सकते हैं। तो इसके अगर लैंडमार्क की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिटी प्राइड स्कूल भी है इसके ठीक बगल में। केटल आएगी आपको 350 रुपये, 300 रुपये में आ जाएगी आपको, डिस्काउंट हो जाएगा, सब पे डिस्काउंट हो जाएगा बॉस, 100 रुपीज। ये 250 का 200 में ही आ जाएगा आपको। ये आपको स्पून होल्डर है, ये एंटिक में सब फ्लावर पॉट आएगा बॉस आपको, ये सब एंटिक में फ्लावर पॉट लगे हुए, सब ये हैंडवर्क प्रिंट आती है बॉस, ये सब हैंडवर्क प्रिंट आती है। ये आपको 500 रुपये का आएगा, 450 रुपये का ये आ जाएगा आपको, ये 450 रुपये का, 400 रुपये का आ जाएगा, सब फ्लावर पॉट आएगा आपको। ये 500 रुपये का, ये 450 रुपये का आएगा, ये हैंडवर्क प्रिंट आती है, ये यूपी से मैन्युफैक्चरिंग होके आती है बॉस। ये 300 रुपये का है, सबसे कम रेंज का है। ये 500 रुपये का 450 रुपये में आपको आ जाएगा डिस्काउंट करके। ये राउंड वाला फ्लावर पॉट आएगा, ये 300 रुपये का आ जाएगा आपको। ये सिंपल में आएगा राउंड वाला, ये स्ट्रक्चर में आएगा आपको राउंड रिंग, और ये छोटी बोतल लगी हुई जो आपको बड़ी साइज की बोतल बताया उसमें, ये छोटी साइज की बोतल आएगी, ये 400 रुपये की आपको आएगी, 450 रुपये आए, 400 रुपये की आ जाएगी। ये छोटे फ्लावर पॉट आएगी बॉस 200 रुपये के, 250 के, 200 रुपये में ये आ जाएगी, ये 200 रुपये का आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको 350 रुपये का, 300 रुपये में ये आ जाएगा। डिनर सेट लगा हुआ है 8.5, तो टेक्सचर है वो मार्बल, ये ओरिजिनल मार्बल नहीं रहता, सिरेमिक रहता है। अच्छा, इस पे फिनिशिंग रहती है। अच्छा। मार्बल फिनिशिंग रहती है। ये अलग अलग रेंज के डिनर सेट लगे हुए, ये 8.5 हज़ार रुपये का, ये 7,500 रुपये का, ये सब 7,500 रुपये की आ जाएगी आपको, डिस्काउंट करके 6,500 रुपये में आ जाएगी। और उसमें लाइट वगैरह लगी है, ये लैम्प है बॉस, ये लैम्प है। तो ये कितने के? ये अलग अलग रेंज के, 350 रुपये के, 450 रुपये के, ये सब सिरेमिक मटेरियल है, इस पर आप लिक्विड डालो, ये घर में फ्रेग्रेंस के लिए यूज होता है। ये सब स्टूडियो प्रिंट आएगी आपको, ये सब कॉस्टली आता है। ये प्लेट है, पानी की प्लेट आएगी आपको, ये 450 रुपये की आ जाएगी आपको, नहीं सिंगल पीस आएगी आपको, सिंगल पीस 450 रुपये की आएगी। ये स्टूडियो प्रिंट है बॉस, ये कॉस्टली आता है। ये हैंडवर्क प्रिंट आएगी आपको प्लेट में, ये भी महंगी आती है। ये बाकी सब 350 रुपये की प्लेट है, डिस्काउंट हो जाएगा। ये सिर्फ ये 2 पीस महंगा है, ये 1 पीस महंगा आएगा आपको। ये क्या रेट है वो? 450 रुपये का, 400 रुपये तक के वो आ जाएगी आपको पर पीस। ये 500 रुपये की है, 450 रुपये की ये भी आ जाएगी आपको। ये 450 के बस 400 तक के ये आपको आ जाएगी। ये 350 के 300 तक के आ जाएगी। ये 250 के 200 तक के आ जाएगी। ये 200 के 150 तक के ये आ जाएगी आपको। ये बतख की जोड़ी आ जाएगी आपको 1200 रुपये तक के, 1400 रुपये की, 1200 तक के ये आ जाएगी। तो गाइस अभी हम मैंने आपको वाला सेट बताया क्रॉकरीज का, इसके ठीक राइट साइड में आप देख सकते हैं इस तरीके आपको वुडन के आइटम्स देखने के लिए मिल जाते हैं। ये सब एंटीक में सर ये आएगा आपका, टेलीफोन आएगा हैंडवर्क वाला पूरा, ये आपका वर्किंग रहेगा सर। जी सर, जी पूरा वर्किंग रहेगा। तो चलता है जी सर, लैंडलाइन में करवाना पड़ेगा कुछ चलेगा जी, वो लेना पड़ेगा। वॉच वगैरह मिल जाएगा इंटेक में सर, वॉच वगैरह आएगा इसमें 100 पीस में आपको। ये फ्लावर पॉट वगैरह मिल जाएगा सर,
तब यूपी का कारीगर ही रहता है सर। जी सर, ये लेटर लिखे हुए जी, ये की रिंग आ गया सर, ये बेसिकली की हैंगर है ना। ये स्टूल वगैरह सर, ये लैंप आएगा सर, ये वाला चालू नहीं है सर, उधर वाले मिल जाएंगे चालू वाले, वो आएगा सर लाइट लैंप सारे, तब वर्किंग वाले रहेंगे, दीवार पे शेड वगैरह आएगा, हेडरूम निकाल लेंगे कस्टमर देगी। जी सर, ये सब शेडिंग वाले रहेंगे सर, ये अब जब नाइट में जलाएंगे सर आप, दीवार पर पूरा शेडिंग आएगा सर। हाँ वो सर हम ही लगा के देते हैं पूरा, हम बना के इधर पूरा सेल करते हैं जब, बाकी वॉच वगैरह में अच्छा वैरायटी मिल जाएगा आपको, 750 का रहता है सर, ये झूला वगैरह मिल जाएगा आपको सर, अलग अलग प्राइस है, 2 सीटर वाला रहता है ना ये, हाँ ये आपका 24,000 रुपये में, इससे बड़ा आएगा 28,000 रुपये में, जब पूरा हैंडमेड रहते हैं, पूरा हैंडमेड रहता है सर, जब अगर चेयर सेट वगैरह सब मिल जाएगा, नीचे सबके लिए रहता है सर, उसकी हाइट काफी छोटी। नहीं नहीं सर, ये वाले जो रहते हैं ना वो कॉफी टेबल लेता है, थोड़ा ऊपर सेट रहता है, गार्डन चेयर रहता है सर, सर उसमें 25,000 रुपये स्टार्टिंग रहेगा बड़े में, और छोटे में 12,000 रुपये स्टार्टिंग, लैंडस्केप फर्नीचर वो सब, बाकी इसमें आपको टेबल का आइटम मिल जाएगा सर, किचन बाइक में ट्रे वगैरह आएगा सर, एंटी ट्रे वगैरह, ये पूरा लकड़ी का है क्या? पूरा लकड़ी का रहता है, लकड़ी में रहता है 12,000। ₹2,000 स्टार्टिंग रहता है घड़ी में, इसमें डिज़ाइन वगैरह आपको बहुत मिलेंगे और वैरायटी अच्छा रहेगा, तब 6-7 डिज़ाइन और मिल जाएंगे सर आपको, बाकी टेबल है, डाइनिंग टेबल सेट वगैरह छोटा जी सर, शोपीस रहता है ये आपका, चलने वाला है। सर सब एंटीक आइटम, ये टेबल वगैरह रहता है सर, ठीक है, ये सब शोपीस आएगा जी, चलने वाला रहेगा, बच्चा खेल भी सकता है, मतलब वो सेल वगैरह डाल के नहीं सर, अच्छा ये सब हैंडवर्क वाला रहता है, कितने का ट्रैक्टर? वो 650 का रहता है, 650 ओके, ये आएगा शोपीस बट्स वगैरह सर इसके अंदर, ये 750 का जोड़ी रहता है। ये बड़े वाले लैंप की सर 900 आएगी, ये सब 450-550 रेट में आएगी, इधर वाले छोटे वाले चौकी वगैरह मिल जाएगा, ये मतलब यहाँ पे जितने भी आइटम्स है पूरे प्योर वुड से बनाए, हाँ प्योर वुड के रहते हैं, सब हैंडवर्क रहता है, घर का आइटम रहता है, बहुत डिजाइन आएगा सर, ये पेपर स्टैंड आएगा सर, मैगजीन वगैरह रखने के लिए रहता है, आपको बार चेयर वगैरह मिल जाएगा, बार चेयर भी ये आएगा सर, बार चेयर, ये बार चेयर रहेगा, ये शोपीस आइटम रहेगा, नहीं सर शोपीस आइटम रहता है गमले की साइड ही, जैसे फ्लावर पॉट रहता है ना वैसे एंटीक में बेसिकली लैंडस्केपिंग फर्नीचर है। हाँ ये नहीं बेबी सेट भी बना सकते हैं आप, मतलब चाय कॉफी के लिए ज्यादा रहता है, जैसे गार्डन वगैरह में बालकनी में डालने के लिए रहता है ना, छोटा रहता है सब बैठ जाएंगे, वेट 150 केजी वेट ले। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको सारे एंटीक चीजें बता दिया, आई होप आपको इनमें से काफी सारे चीजें पसंद आए होंगे, और ये एक दो हफ्ता चलने वाला है दोस्तों एग्जीबिशन, अगर आप आना चाहे तो आ सकते हैं, काफ़ी डिस्काउंटेड रेट में यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं इस तरीके एंटीक आइटम्स। यहाँ पर मुझे पर्सनली जो क्लॉक्स है वो काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहे हैं, क्योंकि इनका जो कलेक्शन है क्लॉक्स का ये काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड वर्क किया गया है इसके ऊपर, आप अगर देखोगे ध्यान से तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डायमंड वगैरह किस तरीके से इन्होंने लगाए, काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड वर्क लग रहा है। यहाँ पर आपको इस तरीके की चेयर भी देखने के लिए मिल सकती है, जिसे आप रेस्ट चेयर कह सकते हैं, तो रेस्टिंग के काम आते हैं, आराम खुर्ची, तो इस तरीके से टोटली वुड में डिज़ाइन की गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं विजिटिंग कार्ड इनका, तो मदीना हैंडीक्राफ्ट सेंटर। आप प्रॉपर कहाँ से हो? यूपी से। अच्छा यूपी से, ओके। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा डिटेलिंग की गई है, और ये पूरा का पूरा हैंडमेड है, तो काफ़ी मेहनत लगी है इस काम में, जैसे कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप दोस्तों एक AK-47, पता नहीं मुझे क्या नाम है इसका, बट यहाँ पर आपको एक बंदूक भी देखने के मिल जाती है। अभी आप ये मत पूछना कि ये वर्किंग है या नहीं, अगर मैंने आपको गलती से भी बोल दिया कि ये वर्किंग में, तो फिर मुझ पर केस हो सकता है। तो गाइस आई होप आपको ये पूरा का पूरा ब्लॉग पसंद आ रहा होगा, और आपको इनमें से कौन से आइटम्स पसंद आ रहे हैं नीचे कमेंट करते चलिए, ताकि मुझे भी पता चले
कि आपको आखिर किस तरीके के एंटिक आइटम्स कलेक्ट करने का शौक है। बाकी चलिए बढ़ते इसी के साथ आगे। ये जो पॉली हाउस देख रहे हैं आप पीछे साइड में, इसमें इससे भी और बेहतरीन चीज़ें मौजूद है, तो चलिए अभी उसका एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ। तो गाइस यहाँ पर हमने वो क्रॉकरी यूनिट कवर कर लिया, इसको तो हमने ऐसे ही छोड़ दिया क्योंकि ये और वो दोनों सेम ही है। बाकी यहाँ पर मैंने आपको पूरा वुडन का फर्नीचर का बता दिया, एंटिक आइटम्स क्या कुछ मौजूद है। इसके अलावा अभी ये जो आप देख रहे हैं बड़ा सा पॉली हाउस, इसमें अभी हम चलते हैं और यहाँ पर आपको मैं एक से एक चीज़ें बताता हूँ जो कि पूरे के पूरे एंटिक चीज़ें। और जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इंडियन क्राफ्ट बाज़ार, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये ABC इंडियन आर्ट एंड क्राफ्ट एग्जीबिशन है। तो बढ़ते इसी के साथ आगे और यहाँ पर हम हासिल करते कंप्लीट डिटेल्स जो कि आपके काफ़ी ज़्यादा काम की होने वाली है अगर आप एंटिक आइटम्स कलेक्ट करने का शौक रखते हैं। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में आपको इस तरीके के पेंटिंग्स देखने के लिए मिलते हैं जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं वुडन फ्रेम्स में आपको इस तरीके के काफ़ी शानदार और बेहतरीन पेंटिंग्स देखने के लिए मिल जाते हैं 14 दिसंबर तक ना। ओके तो ये 14 दिसंबर तक चलने वाला है। तो ये जितने भी आप कपड़े वगैरह देख रहे हैं, फैब्रिक्स वगैरह देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा डिस्काउंट रेट में आपको देखने के लिए मिलने वाला है। तो यहाँ पर आप आके खरीद सकते हैं। बाकी इन चीज़ों को मैं कवर क्यों नहीं कर रहा गाइस इस वीडियो में, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको शॉपिंग मॉल वगैरह में भी देखने के लिए मिल जाते हैं। तो ये जो है काफ़ी कॉमन चीज़ें होती हैं। बाकी मोस्ट ऑफ द चीज़ें यहाँ पर आपको जो है वो लेडीज़ की देखने के लिए मिलने वाली है। बाकी जेंट्स के भी है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्राउजर्स वगैरह, यहाँ पर आप देख सकते हैं ठंडी का सीज़न चालू हो रहा है तो इस तरीके जैकेट्स। ये जैकेट का क्या प्राइस है? तो 850 में आपको अच्छा खासा जैकेट देखने में मिल जाता है। इसमें कुछ डिस्काउंट होएगा क्या? तो यहाँ पर आप सबसे पहले ये पढ़ लीजिए, ओनली एक्सचेंज नो मनी रिफंड। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं टी शर्ट्स वगैरह अवेलेबल है। अपने पास क्या रेंज में कपड़े? अच्छा ये सारे 250 वाली रेंज है। अच्छा ये 250, ये 300, ये 350, ये 550। ओके बाकी लेडीज़ की काफ़ी सारी चीज़ें जैसे कि आप यहाँ पर कलेक्शन देख सकते हैं ड्रेसेस का। तो ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे ऑब्वियसली, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको शॉपिंग मॉल में भी देखने के लिए मिल जाते हैं। ओरिजिनल लेदर है क्या ये? तो गाइज़ ये जितने भी आपको आइटम्स दिख रहे हैं यहाँ पर, ये ओरिजिनल लेदर के हैं। ये वॉलेट भी लेदर का है, सारी चीज़ें। तो यहाँ पर सारी चीज़ें दोस्तों लेदर के मिलने वाले आपको। यहाँ पर आप ऊपर बेल्ट्स वगैरह देख सकते हैं, तो अगर आपको आना है तो ऊपर पीछे यहाँ पर देख सकते हैं आप। ऊपर साइड में जो है जो लेडीज़ के पर्स वगैरह हैंड बैग्स वगैरह आपको देखने के लिए मिल जाते। तो ये कश्मीरी सिल्क साड़ी है दोस्तों, यहाँ पर आप पूरा कलेक्शन देख सकते हैं। इस तरीके के कुछ डिज़ाइंस अवेलेबल है फिलहाल, अगर आप आते हो तो ये सारे डिज़ाइंस आप चूज़ कर सकते हैं इनमें से कोई। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं गाइस, ये क्या चीज़ है? ओके बाटिक प्रिंट। अच्छा ये लेकिन ये ड्रेसेस ही है क्या? बच्चों का भी है? अच्छा क्या स्टार्टिंग रेंज है? तो ये 350 में आपको देखने के लिए मिल जाते हैं इस तरीके के कुछ बच्चों के कपड़े दोस्तों, तो काफ़ी रिजनेबल रेट से। तो ये कपड़े का क्या बोले आपने नाम? बाटिक। ये कहाँ से आया है मैन्युफैक्चर हो गया? पानीपत। ओके तो यहाँ पर गाइस जो हमने आइटम्स बाहर कवर किए थे वुडन वाले, वही सेम आइटम्स यहाँ पर भी आपको देखने के लिए मिल जाते। तो ऑब्वियसली हम इन आइटम्स को कवर नहीं करने वाले क्योंकि ऑलरेडी हमने बाहर इन सेम आइटम्स को कवर किया है। इसके अलावा यहाँ पर आप कुछ आर्टवर्क्स देख सकते हैं, ये बाहर मौजूद नहीं थे। तो इस तरह के कुछ आपको आर्टवर्क्स विथ वुडन फ्रेम्स देखने के लिए मिल जाते। ये इसका स्टार्टिंग रेट क्या है? 550 से स्टार्टिंग है। कौन सा आएगा 550? अच्छा वो साइज में है, तो कौन सा? ये वाला? अच्छा और उसके बाजू वाला? ये वाला। ओके 1200 750। अच्छा वो वाला 550। ये कहाँ पे मैन्युफैक्चर होते हैं पर्स? बिहार से। ओके तो इंपोर्ट किया गया है क्या बिहार से? ओके क्या स्टार्टिंग रेंज? 60 रुपीस में कौन सा आएगा? ये वाला 60 रुपीस का। ओके और ये एंडिंग कहाँ पे होती? ओके 2000 वाला बताओ। अच्छा ये 2000 वाला, ये ओरिजिनल लेदर है क्या? ओके तो गाइस ये ओरिजिनल लेदर है इसीलिए उसका जो प्राइस है वो 2000 है। ओके ये कितने का है? 200 रुपये का। ओके एंटिक कोई किचन है क्या अपने पास? तो ये आप देख सकते हैं गाइस एंटिक किचन्स, ये कितना है रेट इसका? 400 रुपीस। ओके और कोई एंटिक किचन है क्या? ये काफ़ी सही लग रहा। अच्छा ये कितने का है? ओके 300। और ये क्या चीज़ है बच्चों का? ये लाइट लगती क्या इसमें? क्लॉक है? नहीं ये है ये, लेकिन कुछ नया लग रहा। तो ये इसका क्या प्राइस है? 300 का। ओके अच्छा ये टेम्परेचर बॉटल है? अच्छा इलेक्ट्रॉनिक है ये? तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इलेक्ट्रॉनिक है और ये बाय बैटरी ऑपरेट होती है। ये बेसिकली आपके लिक्विड का टेम्परेचर कंट्रोल करती है। तो यहाँ पर आपको अब 52 डिग्री दिख रहा है, तो ये 52 डिग्री, अच्छा 25 उल्टा है, सो ये 26 डिग्री जो है अभी इसका ये अंदर जो भी लिक्विड है उसका टेम्परेचर है 26 डिग्री। और इसको कंट्रोल कर सकते क्या हम? हाँ मतलब जो मौजूद है लिक्विड उसका टेम्परेचर बता रहा हूँ। ओके तो यहाँ पर इस तरह ये काफ़ी यूनिक चीज़ लगी दोस्तों मुझे, ये मैं फर्स्ट टाइम देख रहा एक्चुअली। अच्छा लाइट आएगा? तो गाइज यहाँ पर अभी पानी डालने वाले,
इसके अंदर, और अभी लाइट आएगा थोड़ी देर में। वाह सही, जैसे कि आप देख सकते हैं गाइस काफी इनोवेटिव है, जैसे ही पानी डाले ग्लास में वैसे लाइट चालू होगा। अभी ये पानी अगर हमने खाली कर लिया तो बंद हो जाएगा लाइट आप वाप। ये क्या चीज है, इसमें लाइट लगती है क्या, इसमें म्यूजिक वगैरह आती है क्या, सिर्फ लाइट आती होगी। वाह तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं ये काफी ज्यादा इनोवेटिव है। ये 200 रुपीज का है, और ये कितने का है, ये 550 का है, और ये 200 का है। अच्छा ये टॉर्च है, रिचार्जेबल है। अच्छा किचन टाइप भी यूज कर सकते हैं इसको, ओके मैग्नेट के जैसे आप इसको स्टिक भी कर सकते हैं दोस्तों अपने गाड़ी के की के साथ। ये आप देख सकते हैं कितना शानदार है दोस्तों आइटम, इसको बस टैप करना है और यहाँ पर लाइट चालू हो जाती है। इस नाइट लैंप की सबसे खास बात दोस्तों ये है कि इसका पर्सनली एक रिमोट आता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका एक मिनी रिमोट है, और इस मिनी रिमोट के मदद से आप इस नाइट लैंप को ऑपरेट कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मैं जैसे ऑन का स्विच दबाता हूँ तो ये अभी ऑन हो चुके हैं। अभी लाइट थोड़ी ज्यादा है यहाँ पर दोस्तों, इसलिए ये ज्यादा उठकर नहीं दिख रहा। जैसे आप रात में इसको आपके बेडरूम में लगा देंगे, इसका जो है एक अलग ही इफेक्टिव एम्बियंस निकल कर आपके बेडरूम में आएगा बाहर। तो यहाँ पर से आप वेरियस काइंड ऑफ कलर्स देख सकते हैं जो कि आरजीबी फॉर्म में। यहाँ पर आपको चाहिए तो आप ऑरेंज कलर यहाँ पर से सिलेक्ट करके चेंज कर सकते हैं, आपको ग्रीन चाहिए तो यहाँ पर से आप ग्रीन कलर सिलेक्ट कर सकते हैं, उसके अलावा यहाँ पर आपको ब्लू चाहिए तो यहाँ पर से आप ब्लू कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो रिमोट से टोटली इसको ऑपरेट कर सकते हैं। अगर आपको येलो कलर चाहिए तो यहाँ पर से आप येलो कलर भी प्रेस करके इसको चेंज कर सकते हैं, और आपको अगर ऑफ करना है तो यहाँ पर से एक ऑफ का स्विच दिख जाएगा आपको, अगर आप इस पर प्रेस करते तो ये ऑफ हो गई और ये ऑन हो गई। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके के कुछ लैंप्स है। सो आई डोंट थिंक सो इसका एक पर्सनलाइज रिमोट मिलेगा आपको। सो हम पूछ लेते भैया से, भैया ये जो लैंप है इसका एक रिमोट आता है क्या छोटा सा, या फिर इसको ऑन करना पड़ता है जितने भी लैंप है? सर ये सब वायर सिस्टम है, रिमोट नहीं आता है। ओके हाँ ओके। तो दोस्तों इसी के साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं राजस्थानी पिकल्स नाम से ये स्टॉल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लेमन पिकल, हैदराबादी पिकल, मैंगो पिकल, इस तरीके के आपको वेरियस काइंड ऑफ पिकल्स देखने के लिए मिल जाते हैं। तो सारे पिकल्स को हम डिटेल में यहाँ पर आपको बताने वाले एक एक करके। वो मीठा आम का गुड़ में आएगा, कच्ची करेली का, ये नींबू का खट्टा मीठा, ये करेला आएगा, ये चटनी आएगी अदरक और लहसुन लहसुन की, ये मिर्ची आएगी राजस्थानी, ये लहसुन की चटनी, ये मिक्स वेजिटेबल है, ये भी मिक्स है सादा वाला, ये रहेगा मिक्स, ये भी वेजिटेबल है नहीं, ये वो मिक्स आएगा, ये चुंदा आएगा आम का मीठा। हाँ ये आम का रहेगा, ये भी ये ड्राई मैंगो सूखे हुए आम, हाँ ये मिर्ची आएगी, ये नींबू का रहेगा, हाँ ये मिक्स रहेगा, ये इसमें पांच आइटम रहेगा मिक्स, ये लहसुन आएगा सर, ये भी आम का ही रहेगा, नॉर्मल आम होता है ना खट्टा वाला, आम के बहुत सारे आचार है, हाँ आम का मतलब टेस्ट वेरी करता है, सेम सब अलग अलग टेस्ट है, हाँ ये करवंद आता ना करवंद का रहेगा, हाँ करवंद, ये भी आम का ही आएगा पंजाबी मसाले में तीखा, हाँ ये भी मिर्ची तीखा रहेगा, ये सेम ही है दोनों, ये मीडियम है ये तीखा रहेगा, ये फनस फनस का, हाँ ये गार्लिक है सर जिंजर गार्लिक, ये आंवले का अचार है, ये मिर्ची आएगी बनारसी लाल मिर्ची। ऐसे मसाला लेना, उसमें पानी डालना है ओनली पानी, मसाले को पानी में डाल के ऐसा पेस्ट बना लेना, उसके बाद जो भी सब्जी आपको पसंद हो जो भी आपके घर पे हो, पनीर सेंग दाना सोयाबीन भिंडी करेला फ्लावर गोभी आलू शिमला मिर्च, इसमें मिक्स करो और डायरेक्ट फ्राई करो, नमक पीट मिर्च कुछ मत डालना, सब इसमें पहले से रेडी रहता है, और डायरेक्ट सब्जी को ऐसे फ्राई कर देना, ये देखो ऐसे फ्राई कर देना, टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, टेस्ट करके देखो पसंद आता है। तो ये इसका अलग अलग है क्या सब मसाले, ये फ्राई मसाले में सारा सब्जी फ्राई होता है, ये देखो 24 प्लस वेजिटेबल्स में फ्राई हो जाता है, और ये 8 महीना खराब नहीं होता, बेस्ट इंपोर्टेड मंथ नवंबर का बना, 8 महीना खराब नहीं होगा, डब्बे में रखेंगे 1 साल चलेगा, इस पे नंबर भी रहता है, इस पे कॉल करो तो आपको होम डिलीवरी मिल जाता है किधर भी आपको चाहिए। सो गाइस ये जो मसाला है आपको सिंपली इसमें वाटर मिक्स करना है और इस तरीके का कुछ पेस्ट बन जाता है, और इस पेस्ट में आप मन चाहे वेजिटेबल्स को डिप कर इसमें डायरेक्टली फ्राई कर सकते हैं, बाकी आपको कुछ डालने की जरूरत नहीं है, नमक मिर्ची मसाला कुछ डालने की जरूरत नहीं है, ये जो मसाला है इसके अंदर पहले से वो डला हुआ आता है। तो इसका क्या प्राइस है? 120 का आता है। अच्छा 120 का है, तो एक पैकेट में 203 किलो सब्जी आप फ्राई कर सकते हैं। अच्छा तो गाइस अगर आप ये 10 पैकेट लेते हैं तो उसके ऊपर आपको एक पैकेट फ्री मिलने वाला है, तो काफी बेस्ट डील है। बाकी टेस्ट की अगर बात की जाए तो मोस्ट सिमिलर लाइक आप जो स्टॉल पे बाहर चाइनीज भजिया खाते हो उस तरीके का टेस्ट आपको देखने के लिए मिल जाता है। इसमें कुछ अजीनोमोटो वगैरह कुछ भी नहीं है, टेस्टिंग पाउडर वगैरह कुछ भी नहीं। ओके तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों काफी शानदार वाटरफॉल हो रहा है,
और ये जो 8 पीस है इसके बारे में अभी डिटेल में भाई बताएंगे हमें। बाकी इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके के स्टैचूज वगैरह, ये काफ़ी शानदार लग रहा है दोस्तों। अगर आप इसको बाय करते हैं तो ये एक तरीके से आपके घर का जो है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं और लिटरली यहाँ पर जो आवाज़ आ रहा है पानी गिरने का, जैसे कि आप सुन सकते हैं। और अभी भाई बताएंगे इसका क्या कुछ रेट है। तो गाइस ये जो एक पीस है ये 2500 का है, तो आप खरीद सकते हैं। पर आप देख सकते हैं दोस्तों ये रोटी बेलने का नहीं है, ये कितने का है, ये 400 का, ये वाइट वाला 11 इंच डायमीटर। ओके, तो इसका जो डायमीटर है दोस्तों ये 11 इंच है और ये आई थिंक सो 12 इंच वाइट वाला। जी हाँ दोस्तों, मैं बिल्कुल करेक्ट निकला। यहाँ पर ये जो है 12 इंच यानी कि 1 फीट का जो है डायमीटर का आपको ये पोलपट बेलन देखने के लिए मिल जाता है, जो कि रोटी बेलने के काम आता है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके का कुछ 8 पीस है, छोटे छोटे, काफ़ी क्यूट लग रहे हैं। ये कितने का है, फ्लावर वाइट वाला फ्लावर पॉट 450, और ये छोटा वाला, ये छोटा वाला 350। ओके, सिर्फ मात्र 30 रुपये में आप कौन सा भी सामान उठाकर घर ले जा सकते हैं। हर माल 30 रुपये, हाँ बोले ना, ये भी 30 रुपया। हेड मसाज हाई क्वालिटी के मग्ज है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं मात्र 30 रुपीज़ में। ये आप देख सकते हैं इस तरीके के कुछ बाउल्स है, जितना भी आपको ये काफ़ी काम की चीज़ है दोस्तों, ये सॉस वगैरह डालने के काम आता है। तो ये जो बॉटल है ये भी आपको सिर्फ 30 रुपये में मिलने वाली है। यहाँ पर आप बॉल वगैरह देख सकते हैं खेलने के बच्चों के। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है बेसिकली किचन के काउंटर टॉप पर रखा जाता है, जिसके ऊपर कि आपका जो खाने का यूटेंसिल है वो रखते हैं। ये बेसिकली क्या चीज़ है, ये USB लाइट। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये पेन भले दिखने में नॉर्मल जेल पेन जैसा है, आप इसको हर जगह यूज कर सकते हैं। इसका खासियत ये है कि आप जो कुछ लिख रहे हैं आप इसको आसानी से मिटा सकते हैं। कॉस्टिंग इज ओनली 20 रुपीज। ओके, अभी ये नेक्स्ट चीज़ है केबल होल्डर। जैसे अभी ये केबल इधर पड़ा हुआ है, ऑफिस में, घर में, कार में, हर जगह अपना केबल ऐसा लटका रहता है। इसको पीछे 3M कट है, तो इसको प्रॉपर जगह पे लगा दो। जैसे सपोज ये अपना इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, तो इसको मैंने प्रॉपर यहाँ पे लगा दिया, तो इसको आप ऐसे केबल लगा दीजिए। सिर्फ 10 रुपये की चीज है लेकिन अपनी वैल्यू बढ़ाता है। और अपने पास रिचार्जेबल टॉर्च है, कॉस्टिंग ओनली 120 रुपीज। फोकस देखिए इसका, विद ब्लिंकर एंड रूम के लिए भी लाइट है। ये 120 रुपीज है और रिचार्जेबल है। USB लाइट, टोटली वॉइस कंट्रोल। देखिए लाइट ऑफ, लाइट ऑन, ब्राइटन द लाइट, ब्राइटन द लाइट, डिम द लाइट, लाइट ऑफ। कॉस्टिंग ओनली 170 रुपीज। सेल्फी स्टिक कॉस्टिंग ओनली 180 रुपीज। इसका खासियत है कि आप इसको जब घूमने जाएंगे सेल्फी स्टिक यूज कर सकते हैं। इसमें ब्लूटूथ रिमोट है, मोबाइल को ब्लूटूथ से कनेक्ट कीजिए, दूर से आप फोटो निकाल सकते हैं। इवन वीडियो शूटिंग के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं। स्टार्ट और एडिट करने की जरूरत नहीं है। वापस इसको लगा दीजिए, ये हमने बंद किया, अब ये लॉक हो गया, तो ये गुम होने का चांसेस 0। अभी इसको ट्राइपॉड भी इनबिल्ट दिया है, तो आप इसमें घर पे भी एज अ फोन स्टैंड जैसे यूज कर सकते हैं। ये माइक जो है ना, इसमें 99% लोग अच्छा गा सकते हैं। 99% यस सर। एक्चुअली ऑटो ट्यूनिंग इज अ न्यू वर्ल्ड। अभी क्या होता है सर, पहले के जमाने में जो सिंगर लोग गाते थे, भले अपने हाथ में सादा माइक दिखता है, लेकिन वो आता था मिक्सर से, तो इससे वॉइस इम्प्रूवमेंट होता है। तो मैं आपको जस्ट सैंपल दिखा था सर। वेलकम टू एमपी म्यूजिक वर्ल्ड। अभी इसमें इनबिल्ट स्पीकर है, तो जैसे कि मैंने पहले बोला कि इस माइक में 99% लोग अच्छा गा सकते हैं। तो सिंगर लोग जो सिस्टम यूज करते हैं उनका सेटअप कम से कम 2-3 लाख का रहता है, अपना सेटअप है 1500। सेटअप मैंने बंद कर दिया, अपना आवाज, ये सेटअप मैंने बंद कर दिया, अपना आवाज, मेरे रश के कमर, कितना भी कोशिश करो अपने को कॉम्पिटिशन तो नहीं जाना। सिस्टम ऑन किया, अपना ही आवाज, इको का क्या है सर, बहुत सारे लोगों को पता है कि इको क्या है, लेकिन इको का यूज क्या है, मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट नो। और पिछले 8 साल से मैं माइक बेच रहा हूँ सर, बेस्ट क्वालिटी 1500 विथ रिकॉर्डिंग फैसिलिटी। स्टूडियो में एक गाना रिकॉर्ड करने के लिए 800 से 1000 रुपये खर्चा आता है। स्टूडियो का ऑलमोस्ट मोर देन 70% क्वालिटी घर में फ्री एंड अनलिमिटेड। ये सोलर बेस है सर। अभी देखिए ये ऑलरेडी लाइट दिख रहा है, सो ये चालू नहीं होगा। जैसे शाम होगी, रात होगी, तो ये जैसे इस पर लाइट बनना बंद होगा, चालू। बैटरी चार्ज करता
रहता है 16 पैनल राइट, राइट, और रात में हाँ, और इसमें सेंसर भी है, ये मोशन सेंसर है, कोई आता जाता है तो वो भी काम करेगा। स्टार्टिंग फ्रॉम ओनली 250 रुपीज। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल के इस ब्लॉग में हम इतना ही रखते हैं। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा, और आपको इनमें से कौन सा एंटिक आइटम पसंद आया वो आप कमेंट्स में मेंशन करना बिल्कुल भी मत भूलिए, ताकि मुझे भी पता चले कि आप किस टाइप के आइटम्स पसंद करते हैं। बाकी मिलते किसी और इंटरेस्टिंग से फ्रेश टॉपिक के साथ न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। चलिए, टेक केयर एंड बाय।